रांची प्रदेश कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर टिकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह के सामने ही हंगामा भी किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के नेताओं के दल बदल पर इसे स्वार्थ की राजनीति कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है, साथ ही बीजेपी के 65 पार के लक्ष्य पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी इस बार 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। आरपीएन सिंह से बात की संवाददाता अमिता ने। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह जी यहां पर मौजूद हैं। आज झारखंड चुनावी अभियान की जो शुभारंभ है, आज उस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। लगातार इनके यहां आने का दौरा चालू है, आप भी देख रहे हैं। आरपीएन जी, लगातार आप यहां पर मौजूद हैं, चुनाव की हर एक चीजों पर पार्टी में आप नजर बनाए हुए। पहला सवाल ये मेरा होगा कि लगातार पार्टी से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे, क्या लग रहा है कि कहीं ना पार्टी ऐसे चुनावी माहौल में, चुनावी मौसम में कमजोर तो नहीं पड़ रही? नहीं, देखिए, पूरे अगर आप पूरे देखें झारखंड में हर पार्टी में यही बना हुआ है। लोग जिन टिकट के चक्कर में पार्टी के बारे में कम सोच रहे हैं, स्वार्थ के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। इसकी बड़ी मुझे अफसोस लगता है कि सिर्फ अपने ही बारे में जिस नेताओं को पार्टी ने सींचा इतने दिनों से, अगर वो किसी कार्यकर्ता के लिए पार्टी छोड़े होते या उन्होंने आवाज उठाई होती तो मुझे भी गर्व होता, परंतु अपने ही परिवार और अपने ही लिए टिकट मांगते मांगते लोग अपने ही चक्कर में इधर से उधर जा रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है कि पार्टी से जो भी बड़े चेहरे दूसरी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं, चाहे नाराजगी और वजह जो भी हो, क्या लग रहा है कि इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है पार्टी पे या किसी तरह का कोई नुकसान? जब आते हैं, ये पूरे देश में पूरा माहौल बना रहा है कि जब इलेक्शन आते हैं तो हर दल में से लोग इधर से उधर जाते हैं, पर पार्टियां की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी सोच और उसके कार्यकर्ता होते हैं, उस पे हमें पूरा गर्व। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या लगता है कि बीजेपी बार बार नारा दे रही है 65 पार का, 65 प्लस पार का, कांग्रेस इसे कैसे भेद पाएगी, कोई प्लानिंग? देखिए, जो घमंड भारतीय जनता पार्टी का, यही उन्होंने 220 का नारा दिया था महाराष्ट्र में, यही 75 पार का नारा हरियाणा में दिया था, और यही नारा जो घमंड है, लोग किसी को कहीं पार करेंगे, जो मैं झारखंड की जनता के बीच में रहकर मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी 25 भी नहीं पार कर पाई। तो बहुत बड़ी बात कह दी आरपीएन सिंह ने, उन्होंने साफ कर दिया कि 65 प्लस का जो नारा बार बार बीजेपी दे रही है, ये घमंड बीजेपी का टूटेगा, यहाँ पर बीजेपी 30 भी पार नहीं कर पाएगी। हालांकि अपने प्लानिंग को लेकर, अपने रणनीति को लेकर कहीं ना कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा आश्वस्त और हर्षोत्साहित दिख रही है। अपने सहयोगी के साथ अमिता सिन्हा, न्यूज 11।